हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैलेंट एंड सर्विसेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस के ग्रोथ के रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। टैली में स्टॉक आइटम डैशबोर्ड कैसा, इसका कस्टमाइजेशन किया है हमने, आज उसी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो पहले से फटाफट से हम एड ऑन ऐड कर लेते हैं। टैली में फीचर्स में जाने के बाद एड ऑन इनेबल स्टॉक आइटम डैशबोर्ड विद आइटम इमेज, ये आइटम इमेज के साथ डैशबोर्ड दिखाता है। यहाँ पे एंटर करते ही यहाँ पे इमेज पाथ दिखाएगा, जिस इमेज में आप पाथ रखे हो, जिस फोल्डर में आप इमेजेस रखे हो उसका पाथ दिखाना है। मैंने ये फोल्डर में इमेजेस रखे हैं तो मैंने यहाँ का पाथ उठा लेके यहाँ पे डाल दिया, सेम टू सेम पाथ है वो, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके एंटर, यहाँ का पाथ उठा के कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एंटर देने के बाद सेव हो गया। अब हम इस फोल्डर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे टैली में वाउचर एंट्री में आने के बाद परचेस वाउचर एंट्री में परचेस वाउचर एंट्री में जाने के बाद जब भी आप आइटम कुछ परचेस करते हो तो उसका आइटम का इस तरह से डिस्प्ले दिखाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ आपके लिए, तो फर्स्ट आइटम लेते ही ये आइटम का इमेज आ जाएगा और वो आइटम के डिस्क्रिप्शन के टोटल आ जाएंगे। तो ये आइटम आ जाएगा, आइटम का नाम आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा, आइटम का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना पड़ा है, सेलिंग रेट क्या है इसका, इसकी कैटेगरी कुछ है क्या और इसके जीएसटी डिटेल्स कुछ है क्या, बोल के डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। इसी प्रकार सेकेंड आइटम लेते हैं तो सेकेंड आइटम की इमेज आ जाएगी, उसका टोटल हमने जो फिक्स किया है स्टैंडर्ड रेट वो स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा, उसके डिटेल्स ऐसा इस प्रकार आ जाएंगे। जितने भी आप आइटम लोगे उतने आइटम्स के इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट चेंज होते रहेंगे और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे रिगार्डिंग उस आइटम के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देन आइटम 8 सेलेक्ट किया, इसका ये हो गया। नेक्स्ट, इसको कुछ इमेज नहीं है सो इसलिए ये दिखा नहीं पा रहा, तो हम इसको जाके इमेज सेट कर देते हैं। अभी इसका इमेज सेट करते हैं हम, चलो ये सेट कर देते हैं इसका इमेज। एंटर देते ही इसका इमेज भी यहाँ पर आ गया। तो इस तरह सेट करना है इमेज इसका। अभी हम इसके नीचे आके सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगाते हैं। इस आइटम का डिटेल्स देखना या फिर आइटम को मॉडल देखना, कुछ देखना बोले तो हमको हम जूम करके देख सकते हैं हम किसी भी आइटम पे जाने के बाद। अभी फॉर एग्जांपल आप ये आइटम जूम करना है तो यहाँ पे एक जूम का बटन भी दिया है हमने, जूम करते ही इस तरह से वो आइटम का इमेज क्लियरली आपको दिखेगा। ओके, इसी प्रकार परचेस कर लिया हमने ये, इसी प्रकार आप सेल करते हो तो सेल में भी नीचे बिलो बॉटम ऑफ द डिटेल्स आपको दिखा देगा। सेव हो गया। अभी वाउचर सेल्स का वाउचर लेते हैं हम, सेल्स क्लोजर में और फ्रंट चेक को सेल्स करते हैं। मैंने ये आइटम लिया या फिर ये आइटम लिया, आइटम का रेट चेंज हो गया, यहाँ पे सब कुछ आ गया, डिटेल सारे कुछ यहाँ पे शो हो गए। सीजीएसटी एसजीएसटी डालने के बाद एंटर एंटर सेव कर दिया। इसका एचएसएम कोड का डिटेल्स ये है और टैक्स कितना लगा है इसमें, 12% टैक्स लगा है। एमआरपी रेट अगर से आप आइटम में फिट करोगे तो यहाँ पे वो शो कर जाएगा। इसका लास्ट परचेस डेट क्या था और किसके पास से परचेस किया था, कितने नंबर से परचेस किया था, कितना अमाउंट से परचेस किया था, ये सब कुछ आ जाएगा। और लास्ट सेल किसको किया था ये सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर देगा अगर से डिटेल्स रहेंगे। ओके, सेकंड स्टॉक समरी में जाने के बाद आप यहाँ से भी वो रिपोर्ट को ऑपरेट कर सकते हो। स्टॉक समरी में जाने के बाद ये ग्रुप वाइज आएगा, यहाँ पे आपको आइटम वाइज करना पड़ेगा। आइटम वाइज करते ही सारे आइटम्स आ जाएंगे यहाँ पे नीचे, आपको दिखेगा आइटम यहाँ पे बटन देखे है शो डैशबोर्ड, बोल के क्लिक करते ही डैशबोर्ड आएगा और ये शो जूम करके बोलते ही आपको आइटम का इमेज जूम में दिख जाएगा। इसी प्रकार आप चेंज कर सकते देख सकते हो आइटम, सारे आइटम्स जो भी आइटम चाहिए आपको चेंज करके आप देख सकते हो। मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब योर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सीइंग आवर वीडियोस।